नमस्कार साथियों, आज हम लिए चलते हैं जिला सीतापुर के तहसील सिधोली के अंतर्गत ग्राम बाड़ी में, जहां पर मदरसा सीक्रेट एकेडमी बाड़ी में बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें एम कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी जनाब तारिक सिद्दीकी ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तालीम हासिल करने की नसीहत दी और देश के सफल शख्सियत का उदाहरण देते हुए कहा, सफलता और बुलंदियों को छूने के लिए छोटी जगह से निकलने वाले शख्स भी देश में सफल नागरिक बने हैं। ऐसे में छोटे से ही गुणवत्तापूर्ण तालीम हासिल करने की आवश्यकता है। फिर में मदरसा के प्रधानाचार्य काजी निजामुद्दीन आलम ने बच्चों को पुरस्कृत किया। पुरस्कार पाकर बच्चों के खिले चेहरे। आप लोग बुलंदियों को छुए और इस जगह का नाम रोशन करें, हम लोगों की कोशिश है, इसकी तामीर हो रही है, वो इस जगह अपने आप में एक मिसाल हो, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बहुत जल्द पूरा हो जाए और आप लोग अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए और आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करिए और बस यही दुआ है सबके लिए। हमारे बीच में है मदरसा सीक्रेट एकेडमी के संचालक। यहाँ पर कक्षा एक से लगा करके दर्जा 12 तक की तालीम दी जाती है और सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए यह शिक्षण संस्थान माना जाता है। और इस बीच में इसी संस्थान को चलाने वाले हमारे बीच में इसके मुखिया हैं और मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा और ये बताएं कि इस शिक्षण संस्थान में किस तरीके की तालीम दी जाती है। सर, मदरसे कब से शुरू किया गया, इसमें कितने तो दर्जा तक तालीम दी जाती है? सर, मदरसा तकरीबन इसको 19 साल हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर से इसकी मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार से 2010 में हुई, जो कक्षा 8 के लिए, और उसके बाद में 2017 में ये कुछ आलिया स्तर का मदरसा है जिसे आप इंटर कह सकते हैं। और यहाँ दर्जा एक से लगाकर इंटर तक की तालीम यानी उच्च आलिया तालीम आलिम मुंशी मौलवी दर्जात के लिए दी जाती है, कि जिसमें अरबी फारसी और धार्मिक किताबों को पढ़ने के ताल्लुक से जो लैंग्वेजेस हमारे मजहब इस्लाम में है, उसके अलावा यहाँ पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर वगैरह की तालीम पूरी बाज़ाब्ता तौर से दी जाती है। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम काजी निजामुद्दीन आलम है और मैं यहीं का निवासी हूँ। सर, बाड़ी? जी हाँ।